नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र और आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ RS232 केबल के बारे में। USB RS232 केबल आती है जिसे IC को फ्लैश किया जा सकता है, जैसे कि जो कुछ सेटअप बॉक्स आप देखते हैं, जैसे कि 6041 या फिर कोबॉक्स के कुछ पुराने मॉडल्स, वैसे जिसमें पीछे की तरफ VGA का तरह का एक पोर्ट आता है, इस तरह का कुछ पोर्ट आता है, उसमें इसका यूज होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये विंडोज और मैक के साथ में सपोर्ट करती है और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि सीरियल बस यानी कि USB ये सबसे काम करती है। पैकेज में क्या क्या आता है इसमें कि DB9 केबल आती है और CD-ROM इसके अंदर आपको मिलती है। और प्रोडक्ट फीचर USB स्पेसिफिकेशन 1.1 कंप्लेंट्स और 232 सीरियल इंटरफेस। और ये मेनली जो होता क्या है कि कोई भी सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर वगैरह आपको डालना हो तो उसमें आप इस केबल का उपयोग करके डाल सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर और डालना होता है अपने PC में, उसकी मुझे अभी मैं फिर पता करके बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर इसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। जैसा कि कोई सॉफ्टवेयर अटक गया हो या फिर लाइट जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वैसी स्थिति में इससे फ्लैश किया जा सकता है। तो अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये कुछ इस तरह का केबल आता है जिसे आप ये देख सकते हैं, ये लगभग है 2 फीट के आसपास का। और इस तरह की आगे देखेंगे तो ये पोर्ट आपको मिलता है जिसमें आप लगा सकते हैं अपने जो भी आप यूज कर रहे हैं सेटअप बॉक्स उसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर USB है, USB आपका लगता है और USB के बाद में यहाँ पे CD-ROM इसमें बताई गई है। अगर होती है CD तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का CD आपको मिलता है जिसमें इसका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है, जिसमें आप किस तरह से इसमें डाल सकते हैं वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये देखिएगा कि CD आपको मिली है और RS232 केबल है और इस पे DB9 लिखा हुआ है कन्वर्टर के नाम से और कुछ ऐसा ही आपको मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, जल्दी मैं प्रैक्टिकल करके इस बारे में वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।